हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चंदा देसी किचन में। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी। और ये देखिए, लौकी के कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं, मुंह में खाओ तो घुल जाते हैं। अगर आपको लौकी खाना नहीं पसंद है ना, तो एक बार इस तरह से लौकी की सब्ज़ी बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी के लिए मैंने 500 ग्राम लौकी लिया है। इसे बनाने के लिए पहले लौकी को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लौकी को ग्रेटर के मोटे वाले भाग से ग्रेट करेंगे, छोटे वाले भाग से नहीं ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से पूरा लौकी को घिस कर ले लेंगे। अब ग्रेट करने के बाद लौकी में जो पानी है उसको हाथ से दबा दबा कर अच्छे से निकाल लेंगे। लौकी में से जितना अच्छे से पानी निकाल देंगे उतना ही बेसन कम डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने हाथ से दबा दबा कर लौकी का पूरा पानी अच्छे से निकाल लिया है। लौकी के पानी को फेंकेंगे नहीं, सब्जी में यूज कर लेंगे। ग्रेवी के लिए 2 प्याज और 2 टमाटर लिया है। प्याज को भी ग्रेटर के मोटे वाले भाग से ही ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो प्याज को मिक्सर में हल्का सा दरदरा पीस कर ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने टमाटर को मिक्सर में पीस कर प्यूरेट बना लिया है। मैंने 500 ग्राम लौकी के हिसाब से 150 ग्राम बेसन लिया है। कोफ्ते में डालने के लिए मैंने अदरक, हरा मिर्च, हरा धनिया लिया है। इससे कोफ्ते में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसमें अजवाइन को हाथ से रगड़ कर डाल देंगे। अजवाइन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। कोफ्ते को चटपटा बनाने के लिए 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे। अब 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। अगर घर का बना हुआ गरम मसाला डालेंगे ना, तो उसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा। अब मसाले डालने के बाद अब बेसन को भी डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे। बेसन को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देखेंगे, अगर बाइंडिंग अच्छे से हो रहा है तो उतना ही बेसन डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा बाद में डालिएगा, जब फ्राई करना हो तभी नमक डालें। अगर पहले नमक डालेंगे तो लौकी और पानी छोड़ देगा, जिससे आपको बेसन ज़्यादा डालना पड़ेगा। और जितना मैंने बेसन लिया था पूरा डाल दिया है, और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिश्रण को कोफ्ते के शेप में बनाकर देख लीजिए, अगर बाइंडिंग अच्छे से हो रहा है तो उतना ही बेसन डालें, ज़्यादा नहीं डालें। अब यहाँ पर मैंने सभी कोफ्ते को गोल शेप में ही बना लिया है। आपको जिस तरह से पसंद हो कोफ्ते का शेप, उस तरह से बना लें। और इतने मिश्रण में मेरे 15 से 16 कोफ्ते बने थे, और देखिए मैंने इस तरह से गोल शेप में बना लिया है। कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब इसमें तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल, आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर तेल को चेक कर लेंगे, अच्छे से गर्म है कि नहीं, तो थोड़ा सा टुकड़ा मिश्रण का डालकर चेक कर लें। अच्छे से गर्म हो गया है, तब इसमें कोफ्ते डालकर फ्राई करेंगे। कोफ्ते डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। कोफ्ते को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे। कोफ्ते को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे। जब कोफ्ते का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब पलटेंगे, पहले नहीं पलटेंगे। और इसको पलटते हुए फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। कोफ्ते को घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, या तो आप इसको ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा कम तेल में ही फ्राई किया है, और इस तरह से घुमा घुमा कर चारों तरफ से सेक लिया है। अब यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तब कोफ्ते को निकाल लेंगे। देखिए इतना ही कोफ्तों को फ्राई करना है। अब दूसरा बैच वाला कोफ्ता भी फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से। और सारे कोफ्ते को कढ़ाई में डाल देंगे, और बहुत आराम से धीरे धीरे डालिएगा। और इसको भी उलटते पलटते चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने सभी कोफ्तों को फ्राई कर लिया है, अब सब्जी बनाने चलते हैं। यहाँ पर सब्जी के हिसाब से ऑयल ले लेंगे, तो मैंने उसी तेल में बनाया है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे। जीरा चटक गया है तब यहाँ पर प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए बराबर फ्राई करना है। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट फ्राई करना है, जब तक प्याज का कलर हल्का ब्राउन ना आ जाए। अब यहाँ पर प्याज का कलर ब्राउन हो गया है, तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद गैस का आँच लो रखेंगे। पेस्ट भूनते टाइम अगर पैन में चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल दें, जिससे चिपकेगा नहीं, पैन छोड़ देगा। और पेस्ट को लगातार चलाते हुए 3 मिनट भूनेंगे, उसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब भुन गया है, अब यहाँ पर मसाले डालेंगे। तो मसाले में 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे।
अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है, इससे ग्रेवी भी थिक हो जाएगी और सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आएगा। और मीडियम फ्लेम पर मसालों को भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद पानी ऐड कर देंगे। पानी के साथ सभी मसालों को चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को बराबर चलाते हुए 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब मसालों से तेल ऊपर आने लगा है, मसाले भून गए हैं, तो अब टमाटर का प्यूरी ऐड करेंगे। या तो आप टमाटर को छोटा छोटा पीस में कट करके भी डाल सकते हैं। अब टमाटर के साथ ही नमक डाल देंगे और इसको चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। हमें टमाटर को तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख न जाए। अब यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च को मैंने लंबा सीप में कट करके डाल दिया है, आप मिर्च पहले भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर टमाटर को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है और पानी भी टमाटर का अच्छे से सूख गया है, मसाले ड्राई दिखने लगे हैं, तब इतना ही। अब यहाँ पर ग्रेवी के अनुसार पानी ऐड करेंगे, हमें जितना ग्रेवी रखना हो उतना ही पानी डालेंगे और चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो लौकी से पानी निकाले थे उसको डाल देंगे, इसको ग्रेवी के साथ ही डालकर मिला लेंगे अच्छे से और इस पानी को फेंकेंगे नहीं। लौकी का सारा विटामिन इसी में है और इसको डालने से सब्जी में टेस्ट भी अच्छा आता है। अब ग्रेवी उबलने लगा है तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको ग्रेवी में चलाकर अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे। जब ग्रेवी बॉयल होने लगे तभी कोफ्ते डालें, पहले नहीं डालें, नहीं तो ग्रेवी में कोफ्ते पहले डालेंगे तो टूट जाएंगे। ग्रेवी के साथ इसको हल्का सा चला लेंगे, फिर इसको ढककर 4 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 4 मिनट इसको पकाने के बाद अब इसमें मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से आ गया है, अब रेडी है। तब इसमें हरा धनिया लास्ट में डाल देंगे और इसको भी चलाकर मिला लेंगे अच्छे से। अब सब्जी बनकर रेडी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और देखिए सब्जी का कलर कितना ही प्यारा आया है, ग्रेवी भी कितना थिक बना है। तो इस सब्जी को आप चावल रोटी पराठा से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इस तरह से लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाकर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।